कजाकिस्तान रेलवेज। अभी मैं ये आंटी जी की हेल्प कर रहा हूँ, ये पीछे आंटी ग्रीन कलर की आ रही है। अभी का मौसम चेक कर लीजिए एक बार, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 14। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए दिन में। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं इस वक्त हूँ अखताऊ में। आज है मेरी ट्रेन अलमाटी के लिए अखताऊ स्टेशन से, तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ टैक्सी ड्राइवर का। कल मैंने बात की थी, एक्चुअली मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि अगर मिस हो गया ट्रेन 4000 इंडियन रुपीस का धक्का लग जाएगा मुझे। 200-250 में मैंने बात की थी, तो उसने कहा कि चलो 250 तक आ जाते हैं, तो ठीक है। यहाँ से 15 किलोमीटर है। अभी मैंने कॉल किया था तो 7:30 का टाइम बताया था, तभी 7:15:20 हो रहा है, तो बोले कि ठीक है मैं 7:30 तक आता हूँ। अलमाटी पहुँचने में मुझे कम से कम 55 आवर्स लग जाएंगे, मतलब करीबन 2.5 से 3 दिन, तो काफ़ी लंबा रास्ता होने वाला है ये। मतलब 2 से 2.5 दिन ट्रेन में रहने वाला हूँ, तो थोड़ा बहुत खाना है वो ले लिया है मैंने अपने बैग में। वो 10 बजे की ट्रेन है, मैं इतनी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा पता करना पड़ेगा वहाँ पे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। पहले से जाके रुका रहा हूँ। और ट्रेन टिकट मैंने कल ही बुक किया था, कल जैसे सुबह को मैंने चेक किया था तो वहाँ पे दिखा रहा था कि कम से कम 15-20 सीट्स बचे थे। शाम को जब मैं खाना लेके आया तब देखा 4 सीट्स बचे हुए। मैंने कहा जल्दी से जल्दी फटाफट करता हूँ। मैंने अपने इंडियन कार्ड से ही, एक्सिस बैंक के जो डेबिट कार्ड है उसी से मैंने ये टिकट बुक की। टिकट मैंने बुक की ticket.kz बोल के, वहाँ पे रेलवे टिकट्स का ऑप्शन आता है। अखताऊ टू अलमाटी मैंने सर्च किया, वहाँ पे सिर्फ आपका ईमेल मांगेगा। कजाकिस्तान का जो नंबर था वो मैंने दिया, बाद डेबिट कार्ड देके मैंने पेमेंट कर दिया। जो टिकट है वो ईमेल में आ जाएगी। मैं दिखाता हूँ, कुछ ऐसा है टिकट। मैंने इसका प्रिंट आउट निकाला नहीं है, देखते हैं जाके दिखाएंगे। तो जहाँ तक मुझे लग रही है मेरी टैक्सी आ गई है। चलती है। मैंने उनसे पूछा था जो रिसेप्शन पे थी, लेकिन इनसे पूछा तो ये बोल रहे हैं कि कोई बस नहीं चलती है यहाँ पे। अब यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही, कोई कुछ और बताता है, कोई कुछ और बताता है। लेकिन मैंने जब पूछा था कि कोई बस से जा सकते हैं कि नहीं, बस नंबर 8 पकड़नी है, फिर कोई एक जगह था वहाँ उतर के फिर 105 बस पकड़नी है। तो इस लेन में अभी मैं 105 बस देखा हूँ। सलाम वालेकुम। इनको मैं अपना YouTube का चैनल दिखा रहा हूँ अभी। तो ये है मांगितसाऊ अखताऊ का स्टेशन, जहाँ से मैं अलमाटी के लिए ट्रेन लेने वाला हूँ। मैंने पूछा कंडक्टर से तो उन्होंने कहा कि हाँ सही है, प्लेटफॉर्म 1 या 2 पे आएगी, 10 बजे की ट्रेन है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। ऐसा कुछ स्टेशन है, अंदर से मैं अंदर आ चुका हूँ। तो मैंने टिकट दिखाया तो उन्होंने कहा कि अभी तो 8 ही बज रहा है, तो 9 बजे ट्रेन आएगी। वैगन 4 है, 038 अपनी बर्थ है, अपर बर्थ, साइड अपर है शायद। प्लेटफॉर्म 1 में कहा उन्होंने कि आएगी ट्रेन, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यही है प्लेटफॉर्म 1, क्योंकि और तो प्लेटफॉर्म दिख नहीं रहा है मुझे। सामने तो ऑयल टैंकर है और तो कोई प्लेटफॉर्म दिख नहीं रहा मेरे को। ये अपनी ट्रेन आ गई है, ये है कजाकिस्तान रेलवेज, अपनी ट्रेन फॉर लॉन्ग जर्नी 2 दिन के लिए। मेरा सीट है 038, ये वाला शायद ये ऊपर वाला है। इस कंपार्टमेंट में कोई नहीं है, अभी सिर्फ मैं ही आया हूँ। ऐसा कुछ है जैसे अपने इंडिया में क्या होता है ना, 3 होता है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 1 है 2 है और ऊपर शायद सामान रखने के लिए है। सेम इधर 1, 2, साइड अपर, साइड लोअर, और ऊपर सामान रखने के लिए ये वाला। इस तरफ वॉशरूम है शायद, देखते हैं, ये डस्टबिन के लिए है। अभी का टाइम हो रहा है 9, 1 घंटा बचा हुआ है। ये है चार्जिंग के लिए है, टाइम हो रहा है 10 और ट्रेन खुल चुकी है अभी। राइट टाइम पे ट्रेन खुल चुकी है, थोड़ी देर बाद ऊपर चला जाऊंगा सोने के लिए। कल ठीक से सो नहीं पाया था, सुबह उठना था, स्टेशन को लेकर थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। लिनन देखे गए उन्होंने, टॉवल है, बेडशीट है। भूख लगी थी तो मेरे पास तो वही ब्रेड पड़ा था और वेफर्स और ये पड़ा है, वही खा रहे हैं। और दादाजी मेरे साथ भी वो खा रहे हैं। अच्छा, बाहर दिखा मंगोलिया
ओके ओके ओके, वो दिखा रहे उधर पहाड़ वगैरह ये सब दिखा रहे हैं मेरे को, तब से बैठ बैठ के यही देख रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, इंटरनेट नहीं है लेकिन बातें वगैरह हो रही है थोड़ी बहुत इनसे भी। एक दिखे कॉफ़ी है सर, गर्म पानी डाल के बनाना पड़ेगा इसको। अभी सो रहा था मैं वहाँ पे, तो फिर नीचे आया यहाँ पे बैठा, तो इन्होंने मुझे खाना ऑफर किया, वो पिरोश्की था, शिमकिन कार्ड्स खेल रहे लोग अभी यहाँ पे बैठ के। आज दूसरा दिन है ट्रेन में और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, ऐसा ही दिख रहा है कल से मुझे ऐसा ही दिख रहा है। रात 9 बजे शिमकिंत आ जाएगी जहाँ पे नूरजन और बगलन उतर जाएंगे, अंकल भी उतर जाएंगे तुर्किस्तान में, और मैं उतरूँगा कल शाम को 5 बजे आएगी अलमाटी, तो वहाँ मुझे उतरना है। अभी और एक दिन ट्रेन में रहना है। अंकल मुझे गाना सुना रहे हैं। तो अभी पिरोश्की मैंने खरीदा, ये यहाँ का वो पता नहीं हर कोई यही खाता है, इसमें आलू है खरपुश। तो हर एक स्टेशन पे उतर रहा हूँ मैं, वही खरीद रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, क्योंकि नॉनवेज पता नहीं लोग क्या रहता है नहीं रहता है। अभी एक स्टेशन पे उतरे हैं, ऐसा कुछ स्टेशन है, स्टेशन नेम शीले। तो शीले बोल के कोई स्टेशन है, वहीं पर उतरे। अच्छा मौसम है यहाँ पे, मेरी रशियन उतनी अच्छी नहीं है, गूगल ट्रांसलेट मैंने ऑफलाइन डाउनलोड कर रखा था तो उसी से बातचीत हो रही है। तो अभी हाय, हेलो हेलो पीपल पीपल, चक्सा इंडिया हाय, नंबर 1 इंडिया, नंबर 1 इंडिया, माय फ्रेंड गे ट्रांस ट्रांस गे। समझ में नहीं आ रहा है, तब से मजाक उड़ाया जा रहा है इसका। खराशो खराश कजाकिस्तान, सलाम सलाम कजाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि मैंने इनके एक फ्रेंड है उसको मैंने हैप्पी बर्थडे विश किया, तो अंकल जी चले गए अभी और ये शायद नेक्स्ट स्टेशन पे उतरेंगे, नूरजन और बागलन इसके बाद वाला जो स्टेशन है उस पर, और ये स्टेशन का नाम है तुर्किस्तान, तुर्किस्तान था तुर्किस्तान वॉक्जल सिटी ताम सिटी उस तरफ है ये स्टेशन है। ये है अलमाटी 1 रेलवे स्टेशन और मुझे जाना है अलमाटी 2, तो टाइम अभी यहाँ से आधा घंटा और लगेगा, बारिश हो रही है अभी। ओह क्या सही लग रहा है, ठंड है हल्की, बाहर बारिश हो रही है। फाइनली पहुँच गए हैं अलमाटी 2 रेलवे स्टेशन, 3 दिन की लंबी जर्नी ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं ये आंटी जी की हेल्प कर रहा हूँ, ये पीछे आंटी ग्रीन कलर की आ रही है, इनका बैग लेके थोड़ा बाहर छोड़ देता हूँ और उसके बाद हॉस्टल ढूंढेंगे, बुक नहीं किया मैंने, तो चलते हैं बाहर, आंटी जी को पहले ड्रॉप कर देता हूँ। तो इनका बेटा और इनकी वाइफ जा रही है, मैंने इनको हॉस्टल का एड्रेस दिखाया, कॉल लगाया, फिर एड्रेस पूछा इन्होंने, तो अभी मेरे को हॉस्टल में ड्रॉप करने जा रहे हैं ये लोग। आंटी जी मेरे पीछे पीछे चल रही है, हॉस्टल 64 मैंने बुक किया है, तो वो पहुँच के मैं बताता हूँ, इनकी गाड़ी है ये, बैठ गए। हॉस्टल ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, हॉस्टल करीबन 9 मिनट दिखा रहा है भाई कार, तो ऐसे तो मैं बस ही लेता हेल्प। मैंने की आंटी बोल रही कि तुमने मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। स्पसिवा स्पसिवा
थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू हैव अ गुड डे हॉस्टल तो आ गया, यही है मेरा हॉस्टल सामने, अंदर चलते हैं, बारिश हो रही है यार बहुत ज़्यादा। हॉस्टल 64 पास में था, मैं पैदल ही आ जाता, ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन ये अपना हॉस्टल है किधर। मेरे हॉस्टल से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, एकदम रोड पे ही है हॉस्टल, तो एक दिन का 700 रुपये पड़ा मुझे, ठीक ही है। बारिश हो रही है अभी बाहर, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो ये है मेरा बेड नीचे वाला, और ये एक लॉकर की चाबी दी है 35 जिसमें अपना बैग रख सकता हूँ। ऐसा कुछ हॉस्टल है ये वाला, और 3 दिन का मैंने पे किया है करीबन 12,000 टेंगे, मतलब इंडियन रुपीज़ में 2200 रुपये, और सिटी सेंटर के बीच में है, ठीक ही है। ये है वॉशरूम ये वाला, और यहाँ पे है नहाने का ये वाला दूसरा वॉशरूम भी। इस तरफ है जूता रखने का, ये नीचे से मैं आया था, और यहाँ पे ये लोग खा रहे हैं। दिस इज़ द किचन। बैग वैग रख दिया है, थोड़ा खाना लाने जाएंगे बाहर, और फिलहाल बारिश हो रही है तो उसी का वेट कर रहे हैं अभी, तो चेंज करते हैं फिर बाहर चलते हैं, सुपरमार्केट से थोड़ा खाना लेके आएंगे, क्योंकि कुछ है नहीं मेरे पास खाना खाने के लिए।